हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। सो आज हम बात करेंगे कि फीमर बोन फ्रैक्चर होने के बाद फ्रैक्चर कितने दिनों में ठीक होता है, रिकवर होता है। तो जैसे कि दोस्तों देखो, जो फ्रैक्चर है वो डिपेंड करता है कि कितने फ्रैक्चर हुए, और सर्जरी के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपको रॉड लगाया है या प्लेट लगाया है। तो जैसे कि यहाँ पे आप एक्सरे में देख सकते हो, मुझे जैसा फीमर बोन फ्रैक्चर हुआ था, सिर्फ एक ही फ्रैक्चर हुआ था मुझे, तो वो फ्रैक्चर आप देखोगे तो जल्द से जल्द 3 महीने तक पूरा रिकवर हो जाता है। रिकवरी होने के बाद 3 महीने के बाद चल सकते हो, घूम सकते हो और भागने भी लग जाते हो, जैसे कि मुझे फ्रैक्चर हुआ था। लेकिन मैंने थोड़ा आराम से किया, इसके लिए मुझे 4 to 5 month लग गए थे। तो देखो दोस्तों, अगर आपको फ्रैक्चर हुआ है तो वो डिपेंड करता है कि आपकी सर्जरी कैसे हुई है, कि आपको कितना फ्रैक्चर हुआ है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर आपको ज़्यादा, मतलब 2-3 जगह से फ्रैक्चर हुआ है तो आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है। अगर आपको एक फ्रैक्चर हुआ है और आपकी सर्जरी भी अच्छे से हुई है, आपकी सर्जरी सक्सेसफुल हुई है, तो फिर आपको जो टाइम है वो कम लग सकता है, जैसे कि 4-5 महीने या 6 महीने तक फीमर बोन फ्रैक्चर पूरी तरीके से रिकवर हो जाता है। कुछ कुछ टाइम पे स्वेलिंग, जो सूजन वगैरह रहती है या थोड़ा स्टिफनेस आ जाती है, वो कुछ कुछ जन में 4-5 महीने तक रहती है, 6 महीने तक रहती है, नहीं तो जैसे कि स्वेलिंग 1 साल तक भी रह सकती है कुछ कुछ जनों में। जैसे कि मुझ में थोड़ी थोड़ी स्वेलिंग थी, तो वो 8 महीने तक मुझे स्वेलिंग थी। तो वो डिपेंड करता है हमारी बॉडी के ऊपर भी और आपके बॉडी के ऊपर भी। तो अगर आपको भी फीमर बोन फ्रैक्चर हुआ है या कौन सा भी फ्रैक्चर हुआ है, तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। आप जैसे जैसे एक्सरसाइज करोगे, स्टार्टिंग के दिनों में आपको नी बेंडिंग पे फोकस करना है, आप एक्सरसाइज करोगे तो उससे उल्टा आपका पेन कम होगा। आपको जो फिजियोथेरेपी या डॉक्टर ने बताई हुई एक्सरसाइज है, उसको दिन में आराम आराम से स्टार्टिंग के दिनों में करना है, उससे भी आपकी स्वेलिंग उल्टा आपको हेल्प होगा, स्वेलिंग कम होने में, पेन कम होने में। तो जो कुछ है वो आपके एक्सरसाइज के और डाइट के ऊपर डिपेंड है दोस्तों। तो अगर आपको फीमर बोन फ्रैक्चर हुआ है तो ज़्यादा से ज़्यादा 8 महीने तक तो पूरा रिकवर हो जाता है। जैसे कि आप 3-4 महीने में चलने लग जाते हो, चलने लगने के बाद भी लिम्पिंग का प्रॉब्लम होता है, तो लिम्पिंग खत्म होने में 1 से 2 महीने चले जाते हैं। तो पूरा ओवरऑल पकड़ोगे तो 8 महीने तक आप पूरा रिकवर हो जाते हो। देन रिकवर होने के बाद आप फिर से बाहर वगैरह जाके घूमने फिरने लग जाते हो दोस्तों। तो अगर आपको भी हुआ है तो डरने की कोई बात नहीं है दोस्तों। एक्सरसाइज करिए, डाइट लीजिए, बस आप ठीक हो जाएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो।